शरीयत कायम करूंगा, वो अखलाकी तौर पर खोखला, उसे यह हक नहीं पहुंचता। यहां उसको अल्लाह ताला ने उसको आजादी दी है, इख्तियार दिया है, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल ना करे। बात ये इस गुद्दा तो होगी, लेकिन आखिरी मरहले में जो टकराव होगा, उस टकराव का एक मुतबादिल ये है, ये 28 साल पहले बानी तंजीम इस्लामी ने इसी प्लेटफॉर्म से ये बात कही थी। आज के दौर में ये रास्ता है, और इसमें सहूलत क्या है, आफियत क्या है, ये सेफ है। हम हुसूल इख्तदार का मुतालबा करके नहीं उठ रहे, हम कह रहे शरीयत नाफिज करो। इस काम से पहले दावत वसी पैमाने पर, हिजबुल्लाह जो है जब तक एक मजबूत जमात ना तैयार हो जाए, और जब वसी पैमाने पर दावत होगी, 100 अफराद तक दावत पहुंचेगी, तो उसमें से बमुश्किल 3-4 आएंगे जो हिजबुल्लाह का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अफराद तक दावत पहुंच गई है, बात पहुंच गई। अगर 1,00,000 अफराद जो है दरकार है हिजबुल्लाह के लिए, तो दावत का जो काम करना पड़ेगा वो 1 करोड़ अफराद तक पहुंचानी होगी, उनके अंदर प्यास पैदा करनी होगी शरीयत की, कि हाँ ये हमारी जरूरत है। वो बाद में अवामी रेला बनता है साथ, लेकिन कुर्बानी देने वाले असल में वो हिजबुल्लाह के लोग होते हैं, जो पेश जो फिर आखिर में धरना दें और लाठी चार्ज हो तब भी ना वहां से मुंतशिर हो, और गोली बरसाई जाए तब भी बैठे रहे। ये रास्ता है, हम हुसूल इख्तदार के लिए नहीं उठे, और ये बड़ा खतरनाक मामला भी होता है। तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदून उलूवन फिल अर्ज़ वला फसादा। सूरह कसस में फरमाया कि वो जो दार आखिरत है वो हमने तैयार किया उन लोगों के लिए जो जमीन में अपने इख्तदार और अपनी सरबुलंदी के ख्वाहिशमंद नहीं होते। हुसूल इख्तदार का जज्बा इंतहाई मनफी जज्बा है, अज़रू कुरान अज़रू हदीस। हमारा जज्बा क्या होना चाहिए, दीन गालिब हो, दीन कायम हो, शरीयत नाफिज़। इसके लिए जिद्दोजहद करेंगे, और अगर उस सैलाब के रैले में वो हुकूमत बह जाती है तो फिर जो हो, फिर वो इंकलाबी जमात जो है मामलात को संभाले, और अगर वो मानने मतालबात, अब ये बात बहुत अहम है। देखिए, एक मतालबा मानना होता है कि चलो हमने तुम्हारी बात मान ली, छोड़ दो अब धरना खत्म करो, जैसे अभी हुआ। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी नियतों के बारे में तो आज भी लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि मान तो लिया लेकिन कुछ चक्कर चलाएंगे, उसकी रूह के साथ नहीं माना जाएगा, उसमें कोई डंडी मारी जाएगी, डिले किया जाएगा, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जाएंगे। इसका हल क्या है? अगर वाकई वो जमात मजबूत है और पीछे आवाम तैयार है, तो उनको पता है कि हमने जरा भी इसके अंदर ऊंच नीच की तो फिर आवाम से खड़े हो जाए। ये लाजमी, उन्हें मालूम हो कि इसके अंदर वो डंडी नहीं मार सकते। अब या उन्हें ठीक ठीक इस्लाम को कायम करना है, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती का निजाम पूरे मुल्क में कायम करना है, या फिर यहां से भागना होगा अहमदाबाद का। नो अदर ऑप्शन। शर्त यह है कि वो शर्त पूरी हुई हो, हिजबुल्लाह और फिर आवाम जो उनका साथ देने वाले हों, उन तक वो दावत पहुंची हो, उनके अंदर हमीयत दीनी गैरत दीनी भी है वो जाग चुकी हो, वो ये ना समझे कि रोटी कपड़ा मकान ही हमारी असल जरूरत है। नहीं, शरीयत, अल्लाह का कानून, अल्लाह का दस्तूर, अदालतों में फैसले हों अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, नहीं तुम अल्लाह के निगाह में क्या है। وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ। एक काफिराना रियासत में रह रहे हो, और 90% मुसलमान होने के बावजूद तुम दीन को कायम और कालिम नहीं कर सके, इतने बेगैरत। शरीयत जो है उसकी पामाल की जा रही है, दरिया बखेरी जा रही है। हदीस जेन में लाइए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि फना बस्ती को उलट दो, रहने वालों समेत यानी सब तबाह बर्बाद हो जाए, अनिप बदी का कदा व कदा बयानिया,
قال ان فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين, कहने लगे कि परवरदिगार उस बस्ती में तो एक शख्स वो भी है इतना मुत्तकी परहेजगार, एक लम्हे के लिए भी उसने कभी नाफरमानी की जिंदगी नहीं गुजारी, लम यासी का तरफ आई, पलक झपकने की देर भी उसकी कभी मासियत में नहीं गुजरी। तकवा का ये आलम, मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाला इबादत गुजार। قال اقلبها عليه وعليه, फरमाया उस बस्ती को पहले उससे पलटो बाद में दूसरों को। وَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَّعْرْ فِيهَ سَعَةً قَطْ, इसलिए कि उसका चेहरा कभी मेरी हमियत और गैरत में उसकी रंगत मुतगैर नहीं हुई, उसे कोई परवाह नहीं है कि बाहर जो है शरीयत जो है अल्लाह की उसको पामाल की जा रही है, हुदूदुल्लाह जो है वो पामाल हो रही है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, सुन्नत का तमस्सुर किया जा रहा है, ये हमियत तो हमारे यहां गायब है। और वो जो मुनकरात के खिलाफ एक जज्बा होना चाहिए कि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी फइन लम यस्तति फबिलिसान फइन लम यस्तति फबिकल्बी वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, उस हदीस में क्या है, एक मुसलमान हो और वो किसी मुनकर को होता देखे, बुराई को, गैर शरी काम को बर्दाश्त कर ले, सवाल ही पैदा नहीं होता, हुआ था तो वो फौरन हाथ से बदलेगा, नहीं तो फिर जबान से तो उसके खिलाफ जरूर ऐलान जिहाद करेगा, चाहे उसको उसको मार पड़े जो भी हो। ईमानी गैरत का तकाजा तो यही, और अगर ये भी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, तो कम से कम दिल में उसे शदीद बुरा समझे, एक कुड़न हो, एक इस्तराब हो, बेचैनी हो। फरमाया अगर मुनकरात के खिलाफ दिल की ये पोजीशन नहीं है, और हम देख रहे हैं हर तरफ मुनकरात फैली हुई है, बिल बोर्ड्स हैं, और यानी है, फहाशी है, उसके लिए असबाब हैं हर तरफ, और हम बिल्कुल चैन से जो है वो अपने नमाज रोजे और हिसाब में लगे रहे कि आज इतने नफल पढ़ लिए, इतने सवाब कमा लिए। फरमाया अगर ये कुहन नहीं है तो ये ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं, इसलिए कि जिसके दिल में कुड़न है वो ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, कुड़न है जबान से नहीं कह रहा, और जिसके दिल में ये भी नहीं है, फमा वज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खद्दल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। ये फरमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमियत और गैरत दीनी कहां है आज हमारे अंदर, इसका सबक सिखाने वाले पढ़ाने वाले कहां हैं, ये करना होगा तब लोग उठेंगे, तब वो आवामी प्रेशर होगा, तब हुक्मरानों को सीधा रहना होगा या फिर दुम दबाकर भागना होगा। आज के दौर में आपको मालूम है, जैसे मैंने किया, यूक्रेन में हुआ, वेंसविला में हुआ, अवामी रैली के आगे बह गई बड़े बड़े मुस्तहकम हुकूमतें, रास्ता तो ये है लेकिन इसकी शराइत हैं, और इसी की तरफ बुला रहे हैं वानी मोहतरम पिछले 28 साल से दीनी जमातों को दावत दे रहे हैं कि वो इंकलाबी सियासत की दलदल से निकले इस तरफ आए, खुद भी हिजबुल्लाह की शक्ल बने और फिर लोगों को बुलाएं, उसके लिए पहले दावत का अमल जो करना होगा वो मिलजुल कर करें, स्पेड वर्क करना होगा, लोगों को जहन तैयार करना होगा, फिर आवाम भी निकलेंगे, और फिर आपका हर मुतालबा जो भी और जायज मुतालबा क्यों नहीं माना जाएगा, उसके पीछे तो अखलाकी कुव्वत। तो ये इस वकला के धरने से जो एक मैसेज पूरी कौम को मिला, अभी धरने की नौबत नहीं आई थी, अभी लॉन्ग मार्च का भी आगाज भी हुआ था, ये है इस दौर में करने का तरीका, और सेफ भी क्यों है, मैंने कहा हम खुद इख्तदार के तालिब बन कर नहीं आ रहे थे, छोड़ो हमें हुकूमत दो, हमें दीन चाहिए, शरीयत चाहिए, कायम करो, दस्तूर के अंदर तरमीम की बात होती है, बहुत पहले जब नवाज शरीफ साहब भारी मैंडेट के साथ आए थे दूसरी मरतबा मुंतखब होकर, तो आपको याद होगा ये तहरीक इसी बस्ती से शुरू हुई थी, तो उनसे मुतालबा किया गया था कि